आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो अभी पांच स्टेट में इलेक्शंस होने वाले हैं। पांच स्टेट्स उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, पांच स्टेट में इलेक्शंस होंगे। लेकिन पांचों स्टेट में इलेक्शंस होना हमारे लिए स्टेट्स में इन भारत में इलेक्शंस हर साल होते हैं, लेकिन पांचों स्टेट्स में कॉमन क्या है? वोट, वोट को लेकर के कॉमन है। आज वोट के बारे में बताने वाले। वोट में ये है कि हमारे यहाँ कितने एज के एडल्ट सफरेज वोट दे सकते हैं और पहले कितने एज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया था, फिर बाद में उसको अमेंडमेंट कर करके हमारे यहाँ एज, वोटिंग एज को क्या किया गया, रिड्यूस किया गया। फिर तो कौन सा आर्टिकल्स है? आर्टिकल 326 है। फिर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि वोट को लेकर के क्या होता है कि वोट को लेकर के सवाल पूछा जाता, अगर वोट देने के, वोट दे करके आए तो भी सवाल पूछा जाता है किसको वोट दिए। तो ये हमारा क्या, अब वोट देने से जाने से पहले भी सवाल पूछा जाता है कि किसको वोट देंगे आप। मीडिया भी, रिपोर्टर हो गया, मीडिया हो गया, या फिर यूट्यूबर है, बहुत ऐसे सवाल आते हैं, या फिर गांव में भी लोग सवाल करते हैं कि किसको वोट देंगे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सीक्रेट रख सकते हैं। सीक्रेट इसलिए रख सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जब 2013 में जजमेंट आया तो राइट टू सीक्रेसी क्या हो गया, हमारा फंडामेंटल राइट्स हो गए। चलिए हम लोग देखते हैं। Elections to be held five states. पहला हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश। दूसरा क्या है, उत्तराखंड। पंजाब, मणिपुर, गोवा, और पांचवा हमारा लास्ट क्या है, गोवा। इन पांच स्टेट्स में इलेक्शंस होने वाले थे। इन पांचों स्टेट्स में कॉमन क्या है हमारा, इन पांचों स्टेट्स में कॉमन क्या है, वोट। क्या है? वोट, मतदान, वोट मतदान। हर ये सवाल रहता है कि हम वोट किसको देंगे, तो वोट में जो है ना, ये वोट हमारा कौन से आर्टिकल्स में है, कॉन्स्टिट्यूशंस में, हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में, ये किस आर्टिकल्स में वोट के बारे में दिया गया, राइट टू वोट। आर्टिकल 326 क्या कहता है कि आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड, आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड दैट इलेक्शंस टू द लोकसभा and legislative assembly every state on the basis of एडल्ट सफरेज। अब ये एडल्ट सफरेज क्या है, अब ये एडल्ट सफरेज क्या है, इसमें ये क्या आ गया कि आर्टिकल 26 प्रोवाइड कराता है कि किसी भी स्टेट में इलेक्शन हो या लोकसभा का इलेक्शन हो, लेकिन उसमें हमारा वोटिंग एज क्या है, हमारा वोटिंग राइट्स जो है वो एज क्या है,
एडल्ट सफरेज, क्या कहा गया? एडल्ट सफरेज। ये क्या? एडल्ट सफरेज, एडल्ट सफरेज। ये आर्टिकल 326 अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 326 क्या कहता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन एडल्ट सफरेज दे सकते। तो एडल्ट सफरेज क्या था हमारा, इसको इरेज कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 रिड्यूस्ड वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। अब यहां पे समझ लो, ये क्या है हमारा आर्टिकल 326 को क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया। आर्टिकल 326 को अमेंडमेंट किया गया किसके तहत? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 बिल लाया गया, फिर बिल पास कराया गया और हमारा क्या गया, कॉन्स्टिट्यूशनल को अमेंडमेंट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 अमेंडमेंट किया गया और हमारा वोटिंग एज को क्या किया गया, रिड्यूस किया गया। 21 ईयर से क्या किया गया, 18 साल किया गया, यानी कि 21 साल से 18 साल किया गया। तो इसका पहले क्या था, 21 साल था और हमारा 18 साल किया गया। और इसमें वोट, और ये भी कहा जाता है, अच्छा वोट क्या है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फिर लीगल राइट है, क्या कहेंगे? राइट टू वोट, राइट टू वोट। वोट क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये। अब इसको ये फंडामेंटल राइट्स तो कह नहीं सकते क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स हमारा वोटिंग, वोट क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है क्योंकि आर्टिकल 326 से आया ये, कहां से 326 ये क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया 326। अब इसमें ये कहा गया कि जो राइट टू वोट है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 में लोकसभा का इलेक्शंस हो या लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शंस हो, लोकसभा का इलेक्शंस या लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शंस हो, उसमें एडल्ट सफरेज हमारा, एडल्ट सफरेज क्या हमारा 21 ईयर से 18 साल किया गया और 18 साल के से किया गया 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 से किया गया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 2013 में, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद ये कहा गया जो वोट है हमारा वो क्या है, हमारा सेक्रेट रख सकते हैं वोट को, इसलिए क्योंकि वो हमारा पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो गया कि वोट को सेक्रेट रखना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। तो राइट टू वोट, जैसे हमारे पास वोट देने का अधिकार है, जो भी 18 साल का हो जाता है उसको वोट देने का अधिकार है, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट का 2013 के बाद ये कहा गया कि 2000 वोट देने का हमारे पास नहीं अधिकार है, हम वोट नहीं दे सकते हैं, इसलिए लाया गया नोटा लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट आया 2013 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट।
पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लाइबर्टीज केस, पीपल यूनियन फॉर सिविल। सुप्रीम कोर्ट का 2013 के जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था सबसे पहले डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इलेक्शन इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स ये हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स हमारे पास। ये कहा गया पहला, ये कहा गया दो कंपोनेंट्स इससे निकल करके हैं, इस जजमेंट से दो कंपोनेंट्स निकल करके हैं, दो कंपोनेंट्स। फर्स्ट तो ये कहा गया कि राइट टू वोट, राइट टू वोट ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू नॉट वोट। जैसे हमारे पास वोट देने का अधिकार है, वैसे हमारे पास क्या है, वोट देने का नहीं है अधिकार। अगर हम वोट देते हैं तो वैसे हम वोट नहीं दे सकते हैं। वोट यहां पे क्या कहा गया, राइट टू वोट, और यहां पे क्या कहा गया, राइट टू नॉट वोट। और इस नॉट वोट से क्या निकल करके आया हमारा, नोटा, नन ऑफ द एवर। जिसको वोट देने का अधिकार, वोट देने का, अगर हमारा हमारा कोई भी अगर राइट्स, राइट्स तो दोनों है, राइट टू वोट, हम वोट दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन अगर वोट जाने दे तो नोटा को बटन प्रेस कर दो। दूसरा क्या कहा गया, सेक्रेसी, राइट टू सेक्रेसी। सवाल पूछा जाता है कि किसको वोट दिए, तो राइट टू सेक्रेसी हमारा क्या है, कहा गया कि राइट टू सेक्रेसी इज अ, राइट टू सेक्रेटी सेक्रेसी इंक्लूड्स पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। और ये डेमोक्रेसी और फ्री, ये डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी ये लोकतंत्र, और हमारा जो इलेक्शन जो है, ये दोनों क्या हमारा बेसिक्स राइट्स है, ये दोनों क्या हमारे बेसिक्स राइट्स, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इस बेसिक स्ट्रक्चर जो है, सुप्रीम कोर्ट का 1973 में जजमेंट आया था केशवानंद भारती के वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, उसमें यह कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकता है, वो सारे चीज को अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में करेगा, बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंडमेंट नहीं होगा वो। इस राइट टू सेक्रेसी हमारा क्या है, पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो किस आर्टिकल से निकल करके आता है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स है, पीछे मैंने ये बताया था कि आर्टिकल 326, लेकिन यहां पे क्या बताया गया कि राइट टू सेक्रेसी क्या हमारा फंडामेंटल राइट्स है, तो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में ये कहा गया कि ये क्या हमारा फंडामेंटल राइट्स है, सेक्रेट रखना, किसी मेंटेनेंस, द मेंटेनेंस ऑफ सेक्रेसी, ये क्या आ गया था, द मेंटेनेंस ऑफ, मेंटेनेंस ऑफ सेक्रेसी इज मस्ट, द मेंटेनेंस ऑफ सेक्रेसी इज मस्ट, मस्ट। डेमोक्रेसी और फ्री फेयर इलेक्शंस क्या हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर जब 2013 में जब
2013 में जब जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, तो उसे दो कंपोनेंट्स निकल करके आए, दो कंपोनेंट्स। इसमें फर्स्ट हमारा क्या था, राइट टू वोट था, और ये क्या हमारा, तो राइट टू वोट्स में क्या किया गया, इंक्लूड किया गया राइट टू नॉट वोट, जिससे हमारा क्या निकल कर गया, नोटा निकल कर गया, नन ऑफ द अबव, जो हम लोग बटन रहता है प्रेस करते ना, अगर तुमको किसी भी पार्टी को, अगर तुम्हें किसी पार्टी को अगर वोट नहीं देना है तो ये जाकर के प्रेस कर सकते हो नोटा का। राइट टू सेक्रेसी क्या हमारा आर्टिकल 21 में है, जो ऑल्सो इंक्लूड्स द पार्ट्स ऑफ फंडामेंटल राइट। और ये कहा गया कि सेक्रेसी क्या हमारा फंडामेंटल राइट्स बोल दिया गया, सेक्रेसी क्या हो गया फंडामेंटल राइट्स हो गया, सेक्रेसी जो आर्टिकल 21 में होगा। अगर क्वेश्चंस ये पूछता है, क्वेश्चंस अगर ये पूछा कि किसी भी चीज सेक्रेसी से रिलेटेड और ये दिया हुआ कि कौन सा आर्टिकल्स में, तो क्या कहेंगे कि आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 है ना, ये था वोट, वोट के बारे में था, ठीक है। चलो वोट था हमारा, और वोट हमारा कौन सा आर्टिकल में है, आर्टिकल 326 हो गया।